वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन को आगे बढ़ाने वाले हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर में किसी क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन की डेफिनेशन को देखा था और ये देखा था उसके रूट्स क्या होते हैं और रूट्स का नेचर क्या होता है। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हम लोग उसके आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी हेल्प से उस ग्राफ की एनालिसिस कैसे करते हैं, आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग अपने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। तो स्टूडेंट, मान लीजिए हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो हम इसके ग्राफ की एनालिसिस को बेसिकली a की वैल्यू को लेके करते हैं। तो स्टूडेंट, हमने पहले भी बताया था कि हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए a की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर जो a की वैल्यू जीरो हो गई तो ये हमारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं जाएगा। तो इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन है कि a की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। अब a की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है तो दो केसेस हमारे पास पॉसिबल हैं कि या तो a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी या तो a की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, यानी कि जीरो से बड़ी हो सकती है या a की वैल्यू और जीरो से छोटी भी हो सकती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहला केस हम लेते हैं, केस वन सिलेक्ट करते हैं व्हेन ए इज ग्रेटर देन जीरो। जब ए की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी उस केस में हमारा जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, हम इसको एक फंक्शन एज्यूम करते हैं। हम इसको मान लेते हैं क्या है, ये एफ एक्स के बराबर है। एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया। ठीक है, हमने इसको एक फंक्शन एज्यूम एफ एक्स के बराबर एज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो एफ एक्स या इसको हम और सिंप्लीफाई करने के लिए वाई के इक्वल टू लेट कर लेते हैं। ज्यादा अच्छे से समझने के लिए इसको हम लोग वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब हम करेंगे क्या, हम वाई और वेरिएबल एक्स के बीच में एक ग्राफिकल रिलेशन देखेंगे कि वो कैसे बिहेव करता है दूसरे से। तो स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आपको कि जब ए की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है तो उस समय वाई और एक्स के बीच का जो ग्राफ बनता है वो क्या होता है, कुछ यू शेप का बनेगा और ऊपर की तरफ ओपन रहेगा। यानी कि ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये क्या है, ई शेप का ग्राफ है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पैराबोलिक शेप। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा पैराबोलिक शेप होता है और ये ऊपर की तरफ ओपन होता है। ठीक है, अब ग्राफ में भी इस तरीके ग्राफ में भी तीन केसेस पॉसिबल होते हैं। तो पहला सिचुएशन मान के चल रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा कोई भी ग्राफ क्या होता है, एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन को शो करता है। तो हम देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस को कब कट कर रहा है और वाई एक्सिस को कब कट कर रहा है। तो इसके लिए हमने तीन केसेस यहां भी बनाए हुए हैं इस शेप के ग्राफ को अच्छे से एनालाइज करने के लिए कि ये कब एक्स एक्सिस को काटेगा, कब वाई एक्सिस को काटेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो एक्स एक्सिस को हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन से प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम तीन हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच लेते हैं, या चलिए पहले अपने हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। मान लीजिए ये पहली सिचुएशन है जब हमारा ग्राफ क्या कर रहा है, कुछ इस तरीके से कट कर रहा है। यानी कि ये कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, ए और बी, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये दो पॉइंट ए और बी पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है हमारा
एक्स एक्सिस से हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और यहां से जो लाइन पास होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस, ठीक है, कुछ इस तरीके से रहेगा। ये क्या होगा हमारा वाई एक्सिस होगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस बी बाई टू ए कामा माइनस बी अपान फोर ए, ध्यान देने वाली बात है। जो हमारा लोएस्ट पॉइंट होता है वो क्या होता है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, माइनस बी बाई टू ए कामा माइनस बी बाई फोर ए, ये होता है, ठीक है। तो अब हम इसमें एनालाइज करेंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू को, मिनिमम वैल्यू को, ठीक है। तो अगर हम इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो इसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू तो मिल नहीं रही, क्योंकि ग्राफ क्या है, ऑलवेज ऐसे बढ़ता जाएगा अप टू इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट पॉइंट तक क्या होगा, ऐसे इंक्रीज करता जाएगा। तो इसकी हम लोग मैक्सिमम वैल्यू को तो नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि ये ग्राफ क्या होगा, अप टू इनफाइनाइट बढ़ता रहेगा, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं अगर जब इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं तो मिनिमम वैल्यू हमारा कहां पे होगा, इस लोएस्ट पॉइंट पे, ये जो हमारा लोएस्ट पॉइंट है ये सबसे क्या है, लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट है। इसी लोएस्ट पॉइंट पे हमें इस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और वो मिनिमम वैल्यू होगी क्या, तो हमारे पास y मिनिमम, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी माइनस डी बाई फोर ए, जहां पे d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, जो कि b स्क्वायर माइनस फोर ए सी के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे एक चीज ये सीखा, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो उस समय हमें इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की क्या होगी, एक मिनिमम वैल्यू होगी, और वो मिनिमम वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस डी अपॉन फोर ए के इक्वल होगी, ठीक है। और स्टूडेंट्स हम एक चीज देखते हैं, कभी कभी हमारे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का साइन क्या होगा, मतलब ये पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, या इक्वल टू जीरो होगा। तो हम बहुत आसानी से इसको अपने ग्राफ से एनालाइज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब जब एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच में होगी, चलिए देखते हैं, हम देखते हैं ऐसे एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, ऐसे ब्रोकन लाइन ए और बी से परपेंडिकुलर, देखते हैं जब हम ए और बी के बीच में हैं तो उस समय हमें ग्राफ कुछ इस तरीके से यहां पे मिलने वाला है, ठीक है। ए और बी के बीच में है यहाँ पे, तो हमें ये रीजन इतना दिख रहा है, और जो कि एक्स एक्सिस से डाउनवर्ड है, तो एक्स एक्सिस से डाउनवर्ड सभी वैल्यूज क्या होती हैं, नेगेटिव होगी वाई की। तो जब हम ए और बी के बीच में रहेंगे तो हमें सारी वाई की वैल्यूज कैसी मिलने वाली है, निगेटिव मिलने वाली है, यानी कि यहां से हमारा वाई क्या होगा, y होगा लेस देन जीरो, ठीक है। और चलिए अब हम x एक्सिस के ऊपर बढ़ते हैं, जैसे ही हम x एक्सिस के ऊपर बढ़ जाएंगे तो हमारी जो x की वैल्यूज होगी क्या होंगी, वो a और b के आउटर में होगी, a से बाहर एक ग्राफ जा रहा है और b के बाहर एक ग्राफ जा रहा है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, a और b के बाहर जाने वाले हैं, हमारा ग्राफ क्या है, x एक्सिस के ऊपर चला गया है, और x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो जैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन इस हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस करके ऊपर जाएंगे, हमें उस समय y की वैल्यू क्या मिलने वाली है, y की वैल्यू क्या मिलने वाली है, पॉजिटिव मिलने वाली है। तो उस समय हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ग्राफ हमारा कहां जा रहा है, x एक्सिस के ऊपर चला गया, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो नीचे हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, और ऊपर क्या होगा, y की वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां पे क्या होगा, y की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या डिसीजन ले लिया, हमने यहाँ पे एनालाइज कर लिया कि हमारे
क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो ये है इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा और इसका साइन क्या होगा। जब हम ए और बी के बीच में रहने वाले हैं तो हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक जो फंक्शन है उसका साइन नेगेटिव होगा। जैसे ही हम ए और बी के बाहर जाएंगे तो ग्राफ हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल क्रॉस करके ऊपर चला गया, तो क्या होगा ये हमारा ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको समराइज कर लेते हैं, एक समरी के फॉर्म में कर लेते हैं। जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो हमारी मिनिमम वैल्यू क्या है, वाई मिनिमम हो रहा है माइनस डी अपॉन फोर ए, और ये डी अपॉन फोर ए कहां मिल रहा है, एक्स इक्वल टू माइनस डी अपॉन टू ए पे मिल रहा है। और इस समय हमारे क्वाड्रेटिक फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो साइन मिल रहे हैं, एक बार मिल रहा है नेगेटिव और दूसरी बार मिल रहा है पॉजिटिव। जब हम अपने जीरो या रूट्स के मिड में हैं तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है वाई की, जैसे ही हम लोग जीरो के आउटर जाते हैं उस समय हमें वैल्यू क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने अगले केस को एनालाइज करने वाले हैं, इसके अंदर भी एक अगले सप्ताह भी बनने वाला है। यहाँ पे हमने बात किया जब ग्राफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस को या एक्स एक्सिस को दो पॉइंट ए और बी पे कट कर रहा है, हमारा अगला सिचुएशन ये हो सकता है कि जब हमारा ये फंक्शन जो है वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी केवल एक्स एक्सिस को एक पॉइंट से टच करता हुआ निकल जाए। तो चलिए देखते हैं उस सिचुएशन के लिए। ठीक है, अब हमारा आता है दूसरी सिचुएशन आती है, व्हेन ग्राफ टचेस एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस को केवल टच करता हुआ चला जाए, मतलब उस समय हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये क्योंकि ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो उस समय तो क्या होगा हमारा, ये ओपन होगा अपवर्ड में, ओपन सपोर्ट होगा, और ये किसी पॉइंट मान लीजिए ए पे टच कर रहा है तो ये क्या होगा हमारा मिनिमम पॉइंट होगा, यानी कि इस समय हमारे वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे जीरो होगी। ठीक है, वाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे जीरो, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा क्या होगा जीरो होगा। तो इस सिचुएशन में y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जब एक ही पॉइंट पे टच करेगा उस समय y की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी। और इस केस में हमारे कुछ पर्टिकुलर कंडीशन है, इस समय हमारा डिस्क्रिमिनेंट d क्या होगा जीरो होगा। ठीक है, और रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर इक्वल, दोनों रूट्स हमारे क्या होंगे इक्वल होंगे। और चलिए अब हम इसके साइन की बात कर लेते हैं। इस समय हमारा जो क्वाड्रेटिक फंक्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है उसके साइन की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो उसका साइन जो होगा वो होगा, और चलिए इसकी मिनिमम वैल्यू, इस केस में मिनिमम वैल्यू की बात कर लेते हैं, तो इस समय वाई की वैल्यू हमारी क्या होगी जीरो होगी। वाई मिनिमम क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू जीरो होगा। क्यों, क्योंकि मिनिमम वैल्यू जीरो है, इसके बाद ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ उठ रहा है तो लोएस्ट पॉइंट हमारा जीरो ही हो सकता है। ठीक है, तो वाई की मिनिमम वैल्यू क्या होगी हमारे पास यहाँ जीरो होगी। और देखते हैं हमारे इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का साइन क्या होगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का साइन क्या होगा, जैसा कि हम देखते हैं ग्राफ से, ये ग्राफ हमारा या तो x एक्सिस को टच कर रहा है या तो x एक्सिस के ऊपर है। तो जब टच कर रहा है उस समय सिचुएशन क्या हो सकती है, इक्वल टू जीरो, और जब उसके ऊपर पोर्शन है उस समय क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। तो हमारे यहाँ पे दो वैल्यूज पॉसिबल है, वो है या तो जीरो या तो ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, x के सभी रियल नंबर के लिए ग्राफ हमारा क्या होगा, या तो जीरो होगा या तो जीरो से ग्रेटर होगा। ठीक है, ये इस केस को भी हमने एनालाइज कर लिया है, तो आते हैं अपने अगले केस पे।
अगला है, अगला सिचुएशन हो सकता है कि व्हेन ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, जब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करता है, तो उस समय देखते हैं। अब हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एक्स एक्सिस, इस तरीके से कुछ होगा और ये जो ग्राफ होगा एक्स एक्सिस को चूंकि कट ही नहीं करेगा, ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसे ऊपर से पास हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा हमारा, इस केस में हमारा हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू को एनालाइज करते हैं, तो डी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन जीरो होगी। और रूट्स क्या होंगे इसके, रूट्स आर इमेजिनरी, इसके रूट्स में इमेजिनरी होंगे। और साथ ही साथ ये जो है हमारा ग्राफ का साइन, मतलब इसके क्वाड्रेटिक फंक्शन की साइन क्या होगी, हमारा उस समय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, x के सभी रियल नंबर के लिए ये ग्राफ हमारा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव जाने वाला है। क्यों, क्योंकि ये हमेशा x एक्सिस के ऊपर है, टच करता हो तो 0 हो जाता है, क्योंकि x एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा है, ये कभी 0 वैल्यू को अटेंड नहीं करेगा और ऑलवेज क्या होगा, ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने केस 2 पे आ गए हैं, और केस 2 हमारा क्या है, a इज लेस देन 0। स्टूडेंट्स हमने a ग्रेटर देन 0 के लिए तीन सिचुएशन देखी थी ग्राफ की, अब हम देखने वाले हैं कि जब a की वैल्यू लेस देन 0 होगी उस समय हमारे ग्राफ की सिचुएशन क्या होने वाली है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम जब a की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है तो एक केस हमारे पास आगे इस कॉमन रहेगा, एक सिचुएशन कॉमन रहेगी, वो सिचुएशन क्या होगी, ग्राफ ओपेंस डाउनवर्ड, ग्राफ हमेशा डाउनवर्ड ओपन होगा, मतलब कुछ इस शेप में आएगा हमारा ग्राफ। ठीक है, अब तीन सिचुएशन यहां भी होगी कि जब हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, जब हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को केवल 1 पॉइंट पे टच करके निकल जाएगा, तीसरा केस है जब हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। तीन सिचुएशन यहां भी होगी, तो हम लेते हैं सिचुएशन 1 को, सिचुएशन फर्स्ट को लेते हैं पहले। ठीक है, सिचुएशन फर्स्ट हमारा क्या रहेगा, व्हेन ग्राफ कट्स x एक्सिस एट 2 पॉइंट, जब x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करता है, तो उस समय देखते हैं हम लोग क्या होगा हमारे पास, क्योंकि x एक्सिस हमारे जैसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, तो x एक्सिस हमने ऐसे ड्रा कर लिया। ठीक है, अब हमारा क्योंकि ग्राफ इस 2 पॉइंट पे कट करने वाला है और ओपन डाउनवर्ड होगा, तो क्या होगा हमारे को इस तरीके से सिचुएशन बनने वाली है। ठीक है, ये सिचुएशन बनेगी, मान लीजिए पॉइंट ए और पॉइंट बी पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पे तो इस हमारे जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसकी वैल्यू तो 0 होगी, लेकिन अब हम एनालाइज करते हैं जब हम ए और बी के बीच में रहते हैं और जब हम ए और बी के बाहर जाते हैं, उस समय देखेंगे कुछ हम लोग ग्राफ कैसा हमारा बनता है और उसका साइन क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसके डिस्क्रिमिनेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट भी कर रहा है और ये दोनों पॉइंट डिफरेंट हुए हैं, तो उसमें डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू तो पक्का है क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, और साथ ही साथ हम बात करें ये हमारे किस पॉइंट को अटेंड कर रहा है ग्राफ, ये क्योंकि ये हम देखते हैं ये हमारा ग्राफ क्या होगा, नीचे की तरफ जा रहा है,
इसके हम किसी लोएस्ट पॉइंट की तो बात कर ही नहीं सकते क्योंकि लोएस्ट पॉइंट इसका डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये हमारा ग्राफ क्या होगा आगे अप टू इनफाइनाइट क्या होगा ऐसे डाउनवर्ड जाता रहेगा इसके हम लोएस्ट पॉइंट की बात तो यहाँ पे डिफाइंड नहीं होगी। हाँ हम इसके हाईएस्ट पॉइंट की सबसे पीक पॉइंट की बात कर सकते हैं और वो पीक पॉइंट क्या होगा कोई पॉइंट ये होगा इस तरीके से होगा ठीक है। ये क्या होगा हमारा टॉप पॉइंट होगा सबसे टॉप पॉइंट होगा। अगर ये हमारा टॉप पॉइंट है तो इसी पॉइंट पे हमें क्या मिलने वाला है मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पास कर नहीं है यहाँ पे हमें इस ग्राफ की क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और वो मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या y max मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या होगा हमारा माइनस dy 4 a यहाँ भी होगा। अब आपको देख के थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन ही हो रहा कि नेगेटिव वैल्यू हमारी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कैसे हो रही है। एक्चुअली ये नेगेटिव जो है हमारी वैल्यू नहीं है क्योंकि d पॉजिटिव है और a की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या बन जाएंगे पॉजिटिव वैल्यू। तो कोई भी पूछ सकता है आपसे y की मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी तो ऑलवेज यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी y की पॉजिटिव होगी और वैसे भी हमारा ग्राफ क्या कर रहा है x एक्सिस के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है x एक्सिस के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या होती है पॉजिटिव ही रहेगी और यहाँ पे y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी माइनस डी अपॉन फोर है और इस मैक्सिमम वैल्यू के लिए x क्या होता है x इक्वल टू होता है माइनस डी अपॉन 2a। तो माइनस बी अपॉन 2a के लिए क्या मिलने वाला है हमारा y की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी माइनस डी अपॉन 4 होगी। अब चलते हैं हम लोग इस क्वाड्रेटिक फंक्शन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साइन की बात कर लेते हैं यानी कि ये प्लस होगा या जीरो होगा या माइनस होगा ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वाड्रेटिक फंक्शन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की तीनों वैल्यू पॉसिबल हैं। ये प्लस भी होगा माइनस भी होगा और जीरो भी होगा कब जब हम a और b के a के लेफ्ट में है और b के राइट में है तो हमारा ये ग्राफ क्या होगा ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू देगा। क्यों क्योंकि उस समय हमारे ग्राफ क्या है x एक्सिस के नीचे की तरफ चला गया ठीक है। ये सभी वैल्यू जो यहाँ पे नीचे की तरफ है इस पर्टिकुलर ग्राफ पे उस हमेशा क्या देंगी नेगेटिव वैल्यू देगी यानी कि इस पे भी हमारा वाई का मिलने वाला है लेस देन जीरो और इस पे भी हमारा क्या मिलने वाला है वाई की वैल्यू लेस देन जीरो और हमें इस पर्टिकुलर ए और बी पे क्या मिलने वाला है वाई बराबर जीरो और बी पे भी क्या मिलने वाला है वाई इक्वल टू जीरो ठीक है। चलिए अब जब ऊपर बढ़ते हैं हम लोग तो यहाँ पे y क्या होगा ग्रेटर देन जीरो होगा और इधर भी क्या होगा y ग्रेटर देन जीरो होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक फंक्शन की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की तीनों वैल्यूज पॉसिबल हैं कौन कौन सी लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो एंड इक्वल टू जीरो ठीक है। ये हो गया हमारा और स्टूडेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी बाई फोर है और ये मैक्सिमम वैल्यू किस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलने वाला है एक्स इक्वल टू माइनस डी अपॉन टू ए पे मिलने वाला है ठीक है। तो ये हो गया हमारा। चलिए हम अगली सिचुएशन की बात करेंगे। अगली सिचुएशन हमारी हो जाएगी सिचुएशन टू यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं तो When graph cuts x-axis या touches x-axis, जब ये केवल ग्राफ हमारा x-axis को टच करने वाला है। अभी तक हमारा ये x-axis के दो पॉइंट को कट कर रहा है अगली सिचुएशन ये क्या करने वाला है केवल x-axis को टच करेगा ठीक है। चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा क्योंकि ये आगे ओपन होगा डाउनवर्ड ओपन होगा तो ग्राफ हमेशा डाउनवर्ड ही बनेगा और क्योंकि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है एक्स एक्सिस क्या होगा इसको एक पॉइंट पर कुछ जो है ऐसे टच करते हुए निकल जाएगा ठीक है। एक्स एक्सिस है
अब हम इस केस में क्या करते हैं, देखेंगे कि हमारे ग्राफ का नेचर क्या है, इस समय डी की वैल्यू क्या है और ये इसका साइन क्या है, प्लस है कि माइनस है कि जीरो है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ग्राफ से हम अगर जो एनालाइज करते हैं इसको, तो देखते हैं हमारे पास जब हम कोई पॉइंट ए है, ए के लेफ्ट में है, तभी हमें वाई की वैल्यू क्या मिल रही है, कहते हैं जीरो मिल रही है। ए के जब राइट में है तभी वाई की वैल्यू क्या मिल रही है, लेस देन जीरो मिल रही है। लेकिन जब पर्टिकुलर पॉइंट ए पे है उस समय हमारे वाई की वैल्यू क्या मिल रही है, जीरो मिल रही है। यानी कि ये हमारा ग्राफ दो तरीके की वैल्यू को अटेंड कर रहा है, या तो जीरो को या लेस देन जीरो को अटेंड कर रहा है। ठीक है, तो वाई की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे, लेस आर इक्वल टू जीरो। वाई मीनिंग यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स लेस आर इक्वल टू क्या, लेस आर इक्वल टू क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगा, फॉर आर एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, एक्स के सभी रियल नंबर के लिए ये क्या होगा, लेस आर इक्वल टू जीरो को फॉलो करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं बात करते हैं इसके डिस्क्रिमिनेंट की। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, d इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है या टच कर रहा है, तो इसके दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहां पे क्या होगी, जीरो होगी। ये रहा हमारा कुछ सिचुएशन टू रही, केस टू के लिए सिचुएशन टू थी। ठीक है, अब हम आ जाएंगे यहां पे, और यहां पे कोई पूछता है अगर जो मिनिमम वैल्यू वाई की क्या होगी, तो वाई की मिनिमम वैल्यू होगी यहां पे जीरो होगी। ठीक है, वाई की मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम, सॉरी वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस सिचुएशन में, जीरो होगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वाई की, यहाँ पे जीरो होगी। क्यों, क्योंकि जीरो के बाद ग्राफ ऑलवेज निगेटिव है, तो इस केस में क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जीरो हो सकती है। ओके, चलिए हम लोग सिचुएशन थ्री की बात करते हैं। ठीक है, सिचुएशन थ्री क्या होगा, फाइंड ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट, डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। जब ए एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो हमारा क्या होगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा और एक्स एक्सिस कुछ ऊपर से ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ग्राफ कुछ क्या होगा हमारा, इस तरीके से रहेगा और एक्स एक्सिस क्या होगा हमारा, ऐसे ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए, ठीक है, जैसा कि हमें यहाँ ग्राफ से ही पता है कि ये हमारा जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कभी भी मिल नहीं रहा है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं मिल रहा है। तो चलिए हम इस ग्राफ से ही देख लेते हैं कि इसकी वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है, क्योंकि ये ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस के ऑलवेज डाउनवर्ड में है, तो ये हमेशा कौन सी वैल्यू देगा, वाई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, लेस देन जीरो होगी। आगे नेगेटिव वैल्यू देगा ये ग्राफ, एक्स की सभी रियल वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, और इस समय क्या होगा, डी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन जीरो होगी और हमारा पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज निगेटिव आएगी फॉर आर एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ठीक है, एक्स के सभी रियल नंबर के लिए ये हमारा क्या होगा, वैल्यू निगेटिव आने वाला है। क्यों, क्योंकि ग्राफ ऑलवेज बिलो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के बिलो ऑलवेज वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो हमारे ये पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक फंक्शन भी क्या हो जाएगा, निगेटिव आने वाला है। ठीक है, और इसके रूट्स, रूट्स तो जैसा हम लोग पहले से ही जानते हैं, रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। क्यों, क्योंकि ये कभी एक्सिस को मिल ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और उसका ग्राफिकल नेचर क्या होता है, एक्स एक्सिस को कब कट करता है, कब नहीं कट करता है, इसको हमने पढ़ लिया। क्योंकि ये
एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो उस समय मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलने वाली है और मिनिमम वैल्यू क्या मिलने वाली है। तो चलिए हम लोग इसको एक समराइज फॉर्म में देख लेते हैं जहां से क्वेश्चन आने का ज्यादा चांस रहता है। ठीक है, तो एक हम समरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इसमें उसको हमने एक समरी में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है। हम इसको देखेंगे जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है तो उस समय हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस Bx प्लस सी क्या करता है, कैसे ओपन होता है इस समय ग्राफ, ये ओपन्स अपवर्ड, हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से ओपन होगा और उस समय इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस डी बाई फोर ही होता है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ओपन्स डाउन अपवर्ड है, ये ओपन्स अपवर्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओपन्स अपवर्ड होगा और इस केस में हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू मिलती है, मैक्सिमम वैल्यू इसके पास मिलने, जैसा कि हम बता रहे हैं कि अपवर्ड ओपन होता है और ओपन होता जाता है आपको दिखाना है। ठीक, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो दिखाई नहीं, तो मिनिमम वैल्यू को हमने लिख दिया माइनस डी अपॉन फोर। अब हमें अगले केस जब ए की वैल्यू लेस देन जीरो होती है तो ये क्या होता है, कुछ ओपन्स डाउनवर्ड होता है ग्राफ, ओपन्स डाउनवर्ड और इस समय हमारी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलने वाली है और ये मैक्सिमम वैल्यू होती क्या है, माइनस डी बाई फोर ही होती है। और एक चीज मैं और बता दूं कि ये मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलती है, जब फॉर एक्स इक्वल टू माइनस डी अपॉन टू, एक्स की माइनस डी बाई टू ये वैल्यू के लिए हमारा क्या होता है, मैक्सिमम फॉर एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए, जब एक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन टू ए होगा तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस बी अपॉन फोर ए होगी, जब एक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन टू ए होगा तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस डी बाई फोर ए होगी। ओके स्टूडेंट्स, मैं क्वाड्रेटिक फंक्शन के केसेस को लेते हुए ग्राफ करी और